सर्विस कॉस्ट क्या आती है और क्या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को बाइक लेनी चाहिए? यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए तो थर्ड सर्विस के बाद ये मेरे को 40 प्लस एवरेज दे ही रही है और मतलब 40, 45, 46 मेरे को निकाल लेती है। मेरा बजट था वो घर से मेरा 3 लाख तक का था, बट मेरे को ये भी था कि यार मेरे भी तो पॉकेट पे ठीक बैठनी चाहिए। थोड़ा देर में ऑन होता है ना ये, हाँ थोड़ा स्लो है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रीथ व्लॉग। आज हमारे साथ वीडियो में सार्थक भाई, सार्थक शुक्ला भाई, कैसे हो भाई? सार्थक भाई यार ये वही है, मुझे अभी 2 मिनट पहले पता चला, जो पहले मेरी वीडियो पर खूब सारे कमेंट करते थे। मैं फरीदाबाद से हूँ, रोज गार्डन के पास रहता हूँ। आर एस फैन बॉय, एग्जैक्टली आर एस के टाइम से मैं भाई को मतलब मैं कमेंट से पहचानता हूँ। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई ने अभी कुछ टाइम पहले परचेज करी है पल्सर N160। जब आर एस फैन बॉय हो तो ये क्यों? एक्चुअली मेरा मन पहले से आर एस 200 लेने का ही था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं ले पाया। एक्चुअली BS6 आर एस 200 में एज यूजुअल आपको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझसे ज़्यादा तो खैर किसी पता होगा। हाँ, और सेकंड हैंड मेरे घर वाले अलाउ कर नहीं रहे थे, फिर भी मैं शोरूम में गया आर एस 200 बुक करवाने। एक्चुअली मैं फरीदाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और एक महीने तक वेटिंग पीरियड थी और मुझे बाइक ना थोड़ी अर्जेंसी में चाहिए। अच्छा, अच्छा। और फिर मुझे N160 दिखे और लव इट फर्स्ट साइड। इससे पहले मैं पल्सर 150 ओल्ड हेडलाइट जो नहीं आती गोल शेप वाली, मैं फोटो लगा दूंगा। हाँ, भाई वो चलाता था मैं। रेड कलर की, चेरी कलर की? नहीं, पर्पल कलर। अच्छा भाई, उससे भी मेरा पूरा सेटिस्फेक्शन था और उसके बाद भी मेरे को पल्सर में ही अपग्रेड करना था तो मैंने N160 ले ली। मतलब आप बजाज ही लेनी थी आपको, है ना? ठीक है, तो कितने किलोमीटर चला चुके हो भाई? भाई मैं लगभग 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। भाई 10,000 किलोमीटर का आपको एक अच्छा ओनरशिप रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा देर में ऑन होता है ना ये, हाँ थोड़ा स्लो है सिस्टम इसका। 9,802 किलोमीटर चल चुकी है, क्लोज टू 10,000 किलोमीटर आप इसको चला चुके हो, तो भाई क्या फीडबैक है बाइक का बताओ? भाई बहुत स्मूथ है और सबसे बड़ी बात साउंड बहुत प्यारी है और 165 cc आती है और मैं इसको पूरा रेड लाइन करके चलाता हूँ और भाई माइलेज भी इतनी प्यारी देती है, मतलब एक प्रॉपर बंडल पैक नहीं होता ये, वो ऑफर करती है आपको। और ऊपर से जो इसकी सर्विस कॉस्ट भी है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब आप जैसे साउंड की तारीफ कर रहे हो, हाँ तो एक बार मुझे साउंड सुनाओ कैसी है, हम ऑडियंस को सुनाते हैं। काफी स्पोर्टी साउंड कर रही है, काफी बेस है का इसकी साउंड के अंदर, है ना? ठीक है, तो साउंड के मामले में तो काफी मतलब मुझे पर्सनली बढ़िया लगी। और उसके अलावा जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको ये बाइक पसंद आई, अच्छी लगी, आपने इसके कंपैरिजन में वो नहीं देखी इनकी NS160 जो आती है? यार NS160 का पर्सनली मुझे लुक इतना पसंद नहीं है और ये नई आई थी तब, और मैंने सुना था कि बजाज ने अपने नए जो इंजन है उन पे काफी काम करा है और मेरे को वही देखने को मिला कि ये तो मतलब आपने जब इंजन की स्मूथनेस रिफाइनमेंट देखी तो आपने इसको कंसीडर करना मतलब ज्यादा समझदारी समझी। ठीक है, तो फिर आपने मतलब उसको डिस्कार्ड करके इसको लिया। और NS200 वगैरह आपको 200 सीसी में जाना ही नहीं था या NS200 भी नहीं लेनी थी? यार मेरे को RS200 ही लेनी थी और ऑन द स्पॉट मेरे को ये दिखी तो मैंने ये ले ली, बस ये उठा ली। जो मेरा बजट था वो घर से मेरा 3 लाख तक का था, बट मेरे को ये भी था कि यार मेरे भी तो पॉकेट पे ठीक बैठनी चाहिए भाई। लेने के बाद भाई खर्चा तो मुझे ही करना है ना। हाँ। सही बात है भाई, वो चीज़ आपने एक बहुत समझदारी वाली बात करी है। ये बात की समझदारी काफ़ी लोगों में मिसिंग होती है, वो ये देखते हैं कि भाई घर वाले 3 लाख रुपए दे रहे तो सोचते हैं 3 लाख के अंदर अंदर जो बेस्ट बाइक आ जाए वो ले लो, पर वो उसके बाद कल के दिन को आने वाले खर्चों के लिए अवेयर नहीं रहते हैं। ये मुझे पर्सनली आपके भाई बहुत एक अच्छी समझदारी वाली बात लगी है। जैसे इस बाइक के अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, गियर शिफ्टिंग कैसी है? गियर शिफ्टिंग कंपेरेटिवली स्मूथ है, मतलब जैसा हम पिछले बजाज में देखते आए हैं जो दिक्कत आती है, जो क्लिक क्लिक का अजीब सा साउंड आता है वो मतलब कंपेरेटिवली काफी कम दिखा है और अच्छा तो है। और जो मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस टू MPT वगैरह सही बताती है ये? यार ऑल्दो मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लगी नहीं कि ये गलत बताती है। ठीक है, तो एवरेज क्या दे रही है वैसे? यार एवरेज मैं थर्ड सर्विस के बाद ये मेरे को 40 प्लस एवरेज दे ही रही है और मतलब 40, 45, 46 मेरे को निकाल लेती है। अच्छा जी। फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद भी मेरे को वही 35, 36 या 38 तक निकाल देती थी। ऑल्दो जब मेरे पापा चलाते हैं, हाँ पापा तक कितने माइलेज निकाल सकते हैं तो वो मेरे को 55, 60 तक की माइलेज दिए भाई। हाँ, वो चलाने चलाने के ऊपर बात है ना। मैं एक्चुअली ना बिल्कुल रेड लाइन करके बाइक चलाता हूं। वही है, आप थोड़ा हार्ड एक्सेलरेट करते हो, वो सारा एक्सेलरेट करने का ही फर्क है कि आप थोड़ा हार्ड करोगे तो एवरेज कम आएगी, वो थोड़ा कम करेंगे तो एवरेज थोड़ी ज़्यादा आएगी, वो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है।
बाकी उसके अलावा जैसे इसके अंदर टायर वगैरह आते हैं, टायर की ग्रिप हो गई या फिर मैं कह रहा हूँ बाइक की ब्रेकिंग हो गई, उसका क्या फीडबैक है भाई? R15 से अगर मैं इसको एटलीस्ट ब्रेकिंग में तो कंपेयर कर ही सकता हूँ, R15 से कंपेयर कर रहा था। ऑल्दो हम स्पोर्ट्स बाइक में मोस्टली फ्रंट की ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं, एग्जैक्टली ब्रेक का तो डिस्क आता है वो 280mm का है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें 300mm का आता है। ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग पूरी 250cc वाली इन लोगों ने दे रखी है, और जो टायर्स है टायर्स भी ऑब्वियसली 250cc वाले हैं। सच मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी, बट ऑल दो ये रेडियल तो नहीं है, बट फिर भी मैंने काफी अच्छा लीन करा है टायर से, फीडबैक अच्छा है, फीडबैक ऑन दो फीडबैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, और उसके अलावा मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बारे में क्या बोलना है आपका? यार अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं ग्राउंड क्लियरेंस टकराने वकराने वाली। और जैसे इसके अंदर सीट है, स्प्लिट सीट दे रखे, कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छी है? कुशनिंग मैं बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा, ऑल्दो जो राइडर है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, बट जो पिलियन होता है मतलब 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद उसको थोड़ा बहुत बट में तो दर्द होगा कंफर्म, थोड़ा बहुत होने वाला है ना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं चार्जिंग वाले स्लॉट की बात करता हूँ तो इसका कैसा फीडबैक है भाई? नॉर्मल है, मतलब स्लो चार्ज करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एस्पेक्ट से बाइक बढ़िया। तो मैं आपसे अब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, सर्विस कॉस्ट क्या आती है और क्या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को बाइक लेनी चाहिए? यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए तो मतलब इससे बेटर मेरे को बाइक नहीं लगती, और सर्विस कॉस्ट भी मतलब डिसेंट ही है, 1200-1300 रुपए। ऑन दो थर्ड सर्विस में मेरा 2200 रुपए के समथिंग का बिल आया था, उसमें मैंने एयर फिल्टर और दोनों के ब्रेक पैड चेंज कराए थे, तो देखो डाइजेस्टेबल है। अब मैं थोड़े इसके कॉन्स की बात करता हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है। हाँ कॉन्स बता दो। एक तो इसका मेरे को जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा सा बड़ा था, बहुत मतलब टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है, कम होना चाहिए था। हाँ टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ। और दूसरी चीज जो मेरे को भाई सबसे बेकार लगी वो है भाई इसकी पेंट क्वालिटी, फुटपैक्स देख लो आपके आरएस में भी सेम दिक्कत आती थी। बजाज के अंदर है ही भाई ये वाली प्रॉब्लम, पेंट क्वालिटी इतनी ना अमेजिंग नहीं मिलती है, काफी जल्दी हो जाती है, ऑल्दो इतना तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ब्लैक कलर लिया है मैंने। और क्या प्रॉब्लम्स लगी आपको? कौन ऑल्दो मुझे और कोई तो प्रॉब्लम नहीं दिखी, और कोई कौन? और एक इंजन लाइट की एक दो बार मेरे को दिक्कत आई है, वो माल फंक्शन लाइट आया, ईयर लाइट आ जाती होगी यार, ये बजाज में रहता है कभी कभी आ जाती है फिर अपने आप चली जाती है। शोरूम के मतलब शोरूम वालों के पास जाओ तो ये चीज सॉर्ट आउट भी करके देते हैं, और जैसे लोग कहते हैं ना कि आपका सेटिस्फेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो मेरा बजाज से सर्विस सेटिस्फेक्शन है वो मेरा पूरा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भाई मुझे लगता है सार्थक भाई इस बाइक से सेटिस्फाई है, ओवरऑल खुश है। तो भाई देखो ऐसा कुछ आज का एक वीडियो था पल्सर N160 का, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से किसी ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच सार्थक भाई, आपने सारी डिटेल शेयर करी है, तब तक के लिए बाय।